गुजरात के चार युवाओं की ओर से दांडी यात्रा के रास्ते पर सॉल्ट राइड साइकिल यात्रा के जरिए की जा रही है। गो धार्मिक संस्था की ओर से साबरमती आश्रम से नवसारी के दांडी तक ये साइकिल यात्रा की गई है। 355 किलोमीटर की इस साइकिल यात्रा में इस साल नागरिकों को कोविड-19 से बचाव के दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी दी जा रही है। वहीं स्वच्छता, पर्यावरण और शिक्षा के प्रति भी जागरूकता फैलाने का प्रयास इन युवाओं की ओर से किया जा रहा है। इन चार युवाओं में SVIT वासद के छात्र समेत महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के छात्र और मध्य प्रदेश के भी युवा जुड़े हैं। सॉल्ट राइड में महात्मा गांधी ने जिस रास्ते पर दांडी यात्रा की थी वही रास्ते को चुना गया है। इन चार युवाओं के अलावा गो धार्मिक वेलफेयर फाउंडेशन के कई सदस्य वर्चुअल तरीके से 1 से 31 दिसंबर के दौरान सॉल्ट राइड का हिस्सा बनेंगे। इन चार युवाओं ने 3 दिसंबर से यात्रा गांधी आश्रम से शुरू की थी जो 6 दिसंबर को दांडी पे खत्म होगी। मेरा नाम है साहिल जैक्सन, मैं MS यूनिवर्सिटी वडोदरा का फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क का स्टूडेंट हूँ। वी आर वॉलंटियर्स विद गो धार्मिक वेलफेयर फाउंडेशन, जो अहमदाबाद में स्थित एक NGO है। ये NGO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कोविड के टाइम पे 30 लाख लोगों को खाना खिलाया है। अब इस टाइम पे एक हर साल सॉल्ट राइड करके जो दांडी पथ पे एक यात्रा होती है टू सिग्निफाई फिटनेस, एनवायरमेंटल इश्यूज, फीडिंग ऑल, सर्व ऑल, लव ऑल फिलोसफी ऑफ गांधी जी एज वेल एज गो धार्मिक, उसके लिए हम लोग एक सॉल्ट राइड करते हैं जो साइकिल राइड होती है जो अहमदाबाद साबरमती आश्रम से शुरू होके दांडी बीच पे ख़त्म होती है जहाँ पे गांधी जी ने दांडी यात्रा ख़त्म की थी। इस साल कोविड को मद्देनज़र रखते हुए हम सिर्फ 4 लोग की टीम है जो ये पूरी यात्रा कर रही है, और हर साल गो धार्मिक ये राइड करवाता है चैरिटी के लिए, जिससे जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो लोगों को हेल्प करने में जाता है। मोर देन दैट, इस साल ये इवेंट वर्चुअल भी है, जैसे हम लोग ये एक्चुअल रास्ते में कर रहे हैं वैसे ही इंडिया में 100 से ऊपर लोग ये अपने घर पे जहां कर सकते हैं वहां पे वर्चुअल मोड से भी कर रहे हैं। आवर मोटो इज़ टू प्रमोट द फिलोसफी ऑफ लव ऑल, सर्व ऑल, फीड ऑल विथ फिटनेस एंड एनवायरमेंट इन द टाइम्स ऑफ कोविड। थैंक यू।